बस यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, चाय पी लूंगी तो थोड़ा फिर अच्छा लगेगा। चाय पी के वैसे भी तबीयत थोड़ी बेटर लगती है। बस यहाँ पे मैं निकाल ले रही हूँ और शाजी को भी उठाना है, सो रहा है वो, उसके हाफिज ही आने वाले और वो उठते नहीं उठ रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। मैं भी माशाल्लाह से अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। बस थोड़ी सी मुझे सर्दी हो गई है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते, सुन ही सकते हो कि मुझे सर्दी हो गई है, क्योंकि अभी यहाँ का मौसम ऐसा हो रहा है ना कि धूप भी निकल रही है और रात में ठंड भी लग रही है। बल्कि यहाँ क्या हर जगह का ही मौसम अभी ऐसा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, विंटर्स आ रहे हैं। तो बस इसीलिए, और थोड़ा बहुत मैं थोड़ा गलत भी कर लेती हूँ, ठंडा पानी मैं पी लेती हूँ, काफ़ी ठंडा पी लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये हो गया है। तो बाकी यही सब है, और मैंने सोचा कि आप लोग को बता देती हूँ, क्योंकि जो मेरे व्यूवर्स हैं फिर उनको लग रहा होगा कि मैं मतलब टाइम से अपलोड नहीं करती हूँ। तो बस इसीलिए मैंने सोचा बता देती हूँ। बाकी यही सब है, और आज का ब्लॉग मेरा घर पे ही रहेगा, और वही छोटे मोटे काम मैंने किए हैं। तो आप लोग को ऐसा कुछ देखने में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहिए, और इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। और बाकी आप सबको बहुत थैंक यू, जो मेरे लास्ट वीडियोस को आप लोगों ने इतना पसंद किया, इतना रिव्यूज़ आए, मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था जितने मुझे व्यूज़ आए। तो मैं आप लोग से बहुत थैंक यू करती हूँ। और बाकी आज तो यही सब रहेगा। उस दिन लास्ट वीडियोज़ में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं स्पेंसर गई थी, वहाँ से कितना सामान लेकर आई, बट मैंने कुछ भी अभी सेट नहीं किया, सब ऐसे ही रखा हुआ है। तो बस आज वही सब हम करेंगे, और ऐसा कुछ देखने में आपको अगर इंटरेस्ट हो तो बस आप मेरे वीडियो में बने रहिए। और अभी हम काम स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। राजू उठी बेटा, हाफिज आ रहे हैं। उठी उठी, ये लड़का तो उठ ही नहीं रहा है, एक्चुअली थक जाता है, स्कूल भी जाता है सुबह जल्दी, फिर आके सो जाता है। अभी असर का टाइम है, 12 बजे तक आता है, 1 बजे तक खाना वाना खाता है, 2 बजे तक सोता है, और अभी 3:30 होने वाला है, तो इसीलिए नींद पूरी नहीं हुई इनकी, तो अभी उठ नहीं रहे। ये देखिए, ये सब है थोड़ा बहुत सामान, इस पर से काफ़ी कुछ तो मैंने निकाल दिया था जो मतलब ख़राब होने वाला था, चीज़ वगैरह, जाम वगैरह, वो सब चीज़ें जो ख़राब होने वाली थी वो तो मैंने निकाल दी थी। बस यही कुछ जो चीज़ें ख़राब नहीं होने वाली थी इसी में ऐसी पड़ी हुई थी, तो बस अब इन्हें मैं फटाफट सेट कर देती हूँ, फिर देखती हूँ आगे क्या करना है मुझे। तो देखिए, जैसे कि मैंने सब निकाल लिया है इस साइड पर, और इसमें से काफ़ी कुछ तो मैंने मतलब पहले निकाल के रख दिए थे, क्योंकि ये लाए हुए मुझे 2 दिन हो गए और मैंने अभी तक कुछ भी सेट नहीं किया। बाकी इसमें जो जो चीज़ें ख़राब होने वाली थी शाजू से रिलेटेड, खाने पीने की चीज़ें, तो वो सब तो मैंने फ़ौरन निकाल के आके ही रख दी थी, बस यही सब कुछ बचा हुआ था। तो अब इसकी बारी आई है मुझे रखने की। मेरी आवाज़ देखिए ना कैसे हो रही है, एकदम मेरा फेस भी एकदम ना स्वेलिंग स्वेलिंग सा हो गया है। सच में यार, ठंडा पानी तो बिल्कुल पीना नहीं चाहिए, वो भी ऐसे मौसम में जब इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है लोगों को।
तो बस। और हाँ, आजकल ना वायरल के साथ साथ डेंगू भी हो रहा है, बट अल्लाह का शुक्र से मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सर्दी से वायरल हुआ है। लेकिन आजकल मैं बस नॉर्मल बता रही हूँ कि लोगों को बहुत डेंगू हो रहा है, तो बस सब लोग बच के रहिए, अच्छे से मोर्टिन लगा के रहिए। बाकी अब मैं ये सब सामान अपना सेट कर लेती हूँ, 2 दिन से तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ऐसी पड़ी रहती हूँ, तो बस पहले सेट कर लेते हैं फिर बात करते हैं। और एक और चीज़ मैं दिखाना भूल गई, ये देखिए, ये लॉरियल का डार्केस्ट ब्राउन मैं कलर लाई हूँ, क्योंकि मेरे बाल थोड़े थोड़े हल्के हल्के से ना, मैंने बहुत पहले मतलब अपनी शादी के टाइम पे कलर करवा लिया था पार्लर से, तो उसके बाद से ना मेरे बाल हल्के हल्के जब कलर उतरता है तो फिर हल्का से ग्रे हो जाते हैं बाल, तो फिर तब से मैंने कुछ लगाया नहीं था। मैं मेहंदी वगैरह लगा लेती थी, बट अभी मैं मेहंदी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उससे मेरे बाल ना बहुत ड्राई हो जा रहे हैं, पहले तो ऐसा होता नहीं था, अभी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं अपने लिए ये कलर लाई हूँ, मैंने सोचा एक बार कलर करके देख लेते हैं एक बार, वैसे ही ग्रे तो है ये और थोड़े बहुत हो जाएंगे अगर नुकसान होना होगा तो बस एक बार ट्राई करते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, मैं लाई हूँ, तो बस यही है। बस यहाँ पे काफ़ी टाइम से मलाई रखी हुई थी तो उसको घी निकालना था, तो मैंने सोचा निकाल लेती हूँ, कितना सारा जल भी गया देखिए। तो बस यहाँ पे मैं मलाई निकाल रही हूँ, ऑलमोस्ट ये हो ही गया है, बस इसे मैं अच्छे से छान लूँगी। पर अंडे बॉयल कर रही हूँ, अंडे की सब्जी बना लूँगी और दाल बना लूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, एकदम मन नहीं है मेरा। बस ये ऑलमोस्ट रेडी है मेरी, बस दाल बनानी है अभी मुझे। और यहाँ पे मैंने बोला थोड़ा इसको पढ़ाई करा देती हूँ। बस गाइस, तो मैं अब इस वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी मतलब ऐसा कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा था जो मैं शूट करती। बाकी जो क्लिप देख रहे हो आप, ये पुरानी क्लिप है, तो मैंने ऐड कर दी है, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी मेरा छोटा बन रहा था और काफ़ी कुछ तो मैंने शूट नहीं किया आज। तो बस आपको ऐसा कुछ अच्छा मेरा ब्लॉग लगा होगा, मेरा एफर्ट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बस इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह आगे मैं आऊँगी अपनी अच्छी आवाज़ के साथ। तो बस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।